करें? हाँ जी, फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशियंट। यू क्यों? सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन। हाँ, क्या होते हैं, कैसे करें? सीकेंट का क्या डेरिवेटिव होते हैं? कौन बोला था ये? डेरिवेटिव बताओ सीकेंट का। सीकेंट एक्स टैन एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या फ्रॉम 29th यू आर हैविंग योर एग्जाम्स। इतना खत्म, क्या और भी कुछ है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 + x²। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, टेन से टेन इनवर्स आपका कैंसिल आउट होके यू आर लेफ्ट विद एक्स इंटू सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप, ऑप्शंस आर एक्स वाई अपॉन 1 + x², एक्स वाई रूट 1 + x², y अपॉन रूट 1 + x², एक्स वाई अपॉन रूट 1 + x²। ए ऑप्शन। यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर दोगे? y से, तो यू विल बी हैविंग एक्स वाई अपॉन 1 + x²। ठीक है, क्लियर? तो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट वर्ड लिखा आता है, इट मींस व्हाट यू आर टू डू, क्या करना है? सिंपली डिफरेंशिएट। नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू, अब ये आप बताओगे, साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, करो जल्दी से। इनवर्स की फॉर्म में है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कभी नहीं लेना। यहां क्या करोगे? 1 - x² अपॉन 1 + x²। हाँ जी, क्या पुट करोगे? हाँ, अपॉन क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, एक्स को क्या पुट कर लोगे? टेन थीटा। करो टेन 2 थीटा या टेन थीटा। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस 2 थीटा का। तो क्या बन जाएगा? वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। क्या ले लोगे? साइन इनवर्स, क्या लिखूं? साइन 90 - 2 थीटा। अब क्या आ जाएगा? 90 - 2 थीटा, थीटा क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, करो डेरिवेटिव लो इसका। -2 / 1 + x²। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, चलें अगले पे।
इफ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस सी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए. फाइंड dy by dx. ऑप्शंस आर वन जीरो एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी एंड log ऑफ टू. तुक्के नहीं मारो, करो कैसे किए. वन है जीरो है एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी एंड लॉग टू. इसको रीराइट करेंगे कैसे कर सकते हैं. लिख सकते हैं अब हां जी क्या कह रहे हो. हाँ सारी टर्म्स को ऐसे करके सिंप्लीफाई करो एंड टेल मी व्हाट यू विल गेट. सभी टर्म्स को इस तरीके से लेके एलसीएम लो एंड सिंप्लीफाई करो एंड टेल मी what you have got. यहां पे this is एक मिनट जरा करेक्शन कर लो. यहां a माइनस बी है बाकी ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या बन गई. ठीक है बिल्कुल ठीक है. यहां पे x टू दी पावर b आपका एलसीएम आ गया. सो दिस इज x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर सी. ये आपका ऊपर चला जाएगा. हाँ जी ऑप्शंस में हाँ जी बिल्कुल है. वन जीरो एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी एंड लॉग ऑफ टू. यस उसने डेरिवेटिव लिए बिना बोल दिया ना जल्दी के काम. और यही सारा सम ठीक करके भी आंसर गलत क्या फायदा. ये एक्स टू दी पावर बी मैंने ऊपर लिख दिया आफ्टर सॉल्विंग दिस. ये टर्म बन गई आपकी एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए एंड दिस इज एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर बी. एलसीएम लेके अगेन एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी बन जाएगा. डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है. So this is equal to 1. अब ये वर्बली है. ये हो गया बेटे. कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. डन ध्रुव अभिनव किया है कि नहीं. ऐसे नहीं काम चलेगा. बाद में दो तीन दिन बाद में मैं दोबारा क्वेश्चन दूंगी ना तो फिर नहीं याद आएगा आपको क्योंकि करके नहीं देखा. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटे जो जब आप किसी से समझते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ ये तो इजी था हमें आ गया. बट जब खुद करोगे तो वहां यू विल फेस द प्रॉब्लम्स.
अब यही क्वेश्चन 2 दिन बाद में दूंगी आपको। हां जी, इस साइड पे डन। भव्य, अभिषेक, क्या आंसर आया? 0। यहाँ पे आपका वाई 1 आ गया, तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है वो ऐसे ही बता दो आप मुझे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ऑप्शन ए है मॉड्यूलस एक्स, फंक्शन है। ऑप्शन बी इज जिंट एक्स। ऑप्शन सी इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। पॉलिनोमियल जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू, करो ये 2 raised to power root x। सिंपल है ये भी, 2 raised to power root x। y is equal to 2 raised to power root x। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला? a raised to power x log a। क्या आया आंसर? इतना टाइम नहीं बेटा कैलकुलेशंस में लगना चाहिए आप लोगों को। आप बताओ क्या है? टू रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 root x लॉग 2। क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे? ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस की है। क्या आया? रूट एक्स का डेरिवेटिव इज, फिर यही आंसर आ रहा है। आगे क्या किया आपने अभिनव? कहाँ गलती थी? कि मैं ऑरली कर रहा था। चलिए नेक्स्ट करिए। वी आर गिवन लॉग विद बेस ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। वी आर टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कहा था ना उसको मत ध्यान दो। चलो क्या लिखा है इसको? लॉग एम बाय एन नाउ सिंपलीफाई।
ऑप्शंस आर माइनस वन बाय एक्स, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, टू बाय एक्स स्क्वायर, माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर. हाँ जी, माइनस वन बाय एक्स, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, टू बाय एक्स स्क्वायर, माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर. y डैश कितना आया, ये वन हो गया, माइनस टू रह गया यहाँ पे. y डैश क्या आया, टू बाय एक्स, ये कॉन्स्टेंट जीरो हो गया. अब y डबल डैश पूछा है उसने, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, सो माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर. ऑप्शन डी इज योर आंसर. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए. x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x upon a. Find its derivative. अभिनव जी, integration से कुछ याद आया? किसका integration होता है ये? Integration क्या है? Integration और derivatives क्या है एक दूसरे के? हाँ, तो ये जिसके इंटेग्रल का फॉर्मूला है वो आपका. आई आस्क यू, अदरवाइज तो आप इसका डेरिवेटिव बताइए. अच्छा जी, मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए बस. हाँ जी करो, कैसे करेंगे? कर सकते हो? कौन सी? हाँ बिल्कुल, कौन सी उसमें पुट करते हैं? क्यों, वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट वाली टर्म किस से रिलेटेड होती है? साइन से. साइन का डेरिवेटिव रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है ना, तो आप एक्स को, अब यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसको ए स्क्वायर साइन थीटा, ए साइन थीटा पुट कर सकते हो. एक्स करो, यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके वो साइन टू थीटा बन जाएगा. साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको पता है. करो, अच्छा अब आपने करना है इसको कि नहीं? जल्दी करो, बी क्विक. हरी अप बेटे, हरी अप. जिनका ये हो गया अगला करो. ध्रुव इधर आ जाओ अगले बेंच पे. क्या नहीं समझ आ रहा, करेगा उसको तब पता लगेगा ना क्या करना है. शुरू ही नहीं किया, स्टेटमेंट भी नहीं लिखी, बिना स्टेटमेंट. इधर यहां मेरे पास, मैं आगे बताऊंगी. आगे आ जाओ, इधर एक्स, एक्स को ए साइन थीटा पुट किया है. करो, पुट करो एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में ए साइन थीटा.
अगर ऐसे नहीं आ रहा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हो, यू इंटू वी लगा के वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभिनव एलसीएम ले लिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, अब सिंपलीफाई करो क्या बन गया। तो ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो फिर मैं इरेज करती हूँ। हाँ जी कहाँ किसका एलसीएम ले लिया।
820 लेट ही कुछ नहीं है, यहाँ बताओ क्या आएगा? क्या बन गया ये? माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन फाइव ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से टू कॉमन ले लो. ये कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर x is equal to sin theta put कर रहे हो, वहाँ पे आगे जाके sin of theta something like this बन रहा था. तो यहाँ जब आप sin inverse वाला put कर रहे हो, तो ये two के कारण cancel out नहीं हो रहा. तो don't go for this method. इसको आप directly कर लो, दो या तीन steps में आपका sum हो जाएगा. अब अगला को गला करो. ax स्क्वायर प्लस 2hx 5 प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको गिवन है. फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव. हां जी, ax स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव? हाँ जी, हाँ टू एक्स एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू बी वाई into dy by dx. Is equal to dy by dx में तैयार क्या है? नहीं बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस टू ए एक्स प्लस टू एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस टू बी वाई. अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे? माइनस नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड गेट फॉर आंसर. अब सिंपलीफाई करो.
थैंक यू।